18 जून 2023 सुबह 8 बजे। कैनाडा से करीब 600 किलोमीटर ईस्ट में टाइटन सबमरीन ने अपने 5 पैसेंजर्स के साथ 13,000 फीट मतलब मान लो ऑलमोस्ट 5 बुर्ज खलीफाओं जितना डीप अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए अपना सफर शुरू किया। बट अनफॉर्चुनेटली सफर के कुछ 1 आवर 45 मिनट्स बाद ही सबमरीन का सतह से कम्युनिकेशन टूट गया और वो पानी में कहीं पर गुम हो गई। अब इस सबमरीन के साथ ऐसा होना उसके इन्वेंटर के लिए कोई नई बात नहीं थी क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। Yes, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि इनके साथ ये पहले हो चुका था इसीलिए सबमरीन को तुरंत बचाने के लिए कोई एक्शंस नहीं लिए गए अंटिल ये सबमरीन अपने शेड्यूल टाइम 3 बजे के बाद भी वापस लौट नहीं पाई। इसके बाद उन्होंने प्लेन्स, शिप्स, सबमरीन्स, सबसी रोबोट्स, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स सब कुछ लेकर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और तब जाकर ये पता चला कि ये सबमरीन हाई प्रेशर की वजह से कैटेस्ट्रोफिक इंप्लोजन यानी क्रश हो गई है। बट फ्रेंड्स यहां पर ताजुब की बात तो यह है कि पिछले 10 सालों में इस सबमरीन ने 200 से भी ज्यादा डीप सी डाइव्स और 14 सक्सेसफुल एक्सपेडिशंस किए थे। इनफैक्ट इसने 12 बार टाइटैनिक के पास जाकर अपनी काबिलियत को भी प्रूफ किया था। तो इस बार ऐसा क्या गलत हो गया कि वो इंप्लोड हो गई? Well, इसके पीछे का रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसकी कहानी शुरू होती है साल 2009 में जब ओशन गेट कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इलॉन मस्क के स्पेस टूरिज्म की तरह अंडर वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देना, जिसके लिए वो 5 सीटर कमर्शियल सबमरीन बनाने लगे और 2010 में ही उनकी पहली सबमरीन एंटीपोड लॉन्च हुई। देखते ही देखते 2013 तक एंटीपोड ने 130 सक्सेसफुल अंडरवाटर डाइव्स लगाए और इस सक्सेस को देखकर उन्होंने और 2 सबमरीन्स साइक्लोप्स 1 और टाइटन को लॉन्च किया। टाइटन बेसिकली एक सबमर्सिबल है, मतलब जहां सबमरीन्स इंडिपेंडेंटली ओशन के बॉटम तक जाके सरफेस पर वापस आ सकते हैं, वहीं सबमर्सिबल्स को लॉन्च और रिकवर करने के लिए दूसरे शिप की जरूरत होती है और अगर उसका शिप के साथ कम्युनिकेशन ही टूट गया तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब शुरुआत के कुछ दिनों में तो द बहामास, सैन जुआन ऐसे आर्किपेलागोस यानी कि चेन ऑफ आइलैंड के एरियाज में ये अंडरवाटर डाइव्स करे, लेकिन उनका मेन मकसद था टाइटैनिक को अभी के प्रेजेंट हालत में लोगों को दिखाना क्योंकि एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बन सकता था और इस प्रोजेक्ट को उन्हें जल्द से जल्द स्टार्ट करना था क्योंकि साइंटिस्टों के हिसाब से 2030 तक टाइटैनिक का ऑलमोस्ट पूरा मलबा अंडरवाटर करंट और बैक्टीरियल डीके की वजह से गायब हो जाएगा और इसीलिए 2017 में ओशन गेट ने टाइटैनिक एक्सपेडिशन प्लान किया और पहली विजिट स्केड्यूल हुई जिसके एक टूरिस्ट सीट की प्राइस थी 86,20,578। ये तो शुरुआत की प्राइस थी। जब जुलाई 2021 में इसका पहला एक्सपेडिशन लॉन्च हुआ तब प्राइस सीधा 2.5 टाइम्स बढ़कर 2.5 करोड़ रुपीस हो गई। अब यहां पर एक्सपेडिशन शुरू हुआ था 2021 को और फिर 2021 से 2023 के बीच में 12 बार टाइटन टूरिस्ट को टाइटैनिक की विजिट कराकर सही सलामत वापस लेकर आई। एंड माइंड यू इन सारे विजिट्स में हर बार ओशन गेट कंपनी के फाउंडर और सीईओ स्टॉकटन रश खुद भी शामिल थे। और अभी रिसेंटली 18 जून 2023 को हुए एक्सीडेंट वाले डाइव में इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उस सबमरीन में बैठे बाकी के पैसेंजर्स भी कोई नॉविस नहीं थे बल्कि दे वर ऑल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स जिनको डीप सी डाइविंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। देखो इस सबमरीन में 5 जन बैठे थे। सबसे पहले तो कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश खुद, क्योंकि उनकी खुद की कंपनी थी, काफी टाइम से सबमरीन्स में ट्रैवल ऑलरेडी कर रहे थे टेस्ट करने के लिए चीजों को। और फिर बैठे थे उसमें अगले पर्सन पॉल हेनरी नार्जियोलेट जो कि एक फ्रेंच नेवी के पायलट रह चुके थे और अंडरवाटर टाइटैनिक के रैकेज तक 37 टाइम्स जा चुके थे। एक्चुअली उनके नेवी से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली थी आरएमएस टाइटैनिक जो टाइटैनिक से आर्टिफैक्ट्स को रिट्रीव करके रिजर्व करती थी ताकि उस पे स्टडीज किया जा सके। अब यहां पर कैन यू इमेजिन कितने आर्टिफैक्ट्स उन्होंने टाइटैनिक से वापस जमीन पर लाए होंगे? 5,000। और इसीलिए उन्हें सबमरीन्स और अंडरवाटर के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज था। फिर थर्ड पैसेंजर जो थे वो थे हैमिश हार्डिंग। इनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें से एक मरियाना ट्रेंच ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है उसमें ज्यादा देर तक एक सबमरीन में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। So again, इनको भी इस फील्ड का एक अच्छा खासा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। और फोर्थ एंड फिफ्थ पैसेंजर थे एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, जिनके लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। So, 18 जून 2023 को वो ट्रैवलर्स टाइटैनिक को एक्सप्लोर करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़े। द प्लान वो सिंपल, टाइटन सबमरीन में बैठकर 12 PM को टाइटैनिक डीब्रीज जो कि 12,500 फीट डीप है उसके पास जाना, उसे 1 से 1.5 घंटे एक्सप्लोर करना, ऑब्जर्व करना, 7 PM तक वापस से सतह पर आ जाना। लेकिन द थिंग्स didn't turn out to be expected over here. Nothing went according to the plan. क्योंकि जैसे ही सबमरीन को उसके कैरियर शिप से नीचे डाइव के लिए छोड़ा गया, तभी ही अनफॉर्चुनेटली उसका अपने कैरियर शिप से कम्युनिकेशन टूट गया। पर कम्युनिकेशन टूटने के बावजूद भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया अंटिल वो सबमरीन अपने शेड्यूल टाइम पर वापस से ऊपर नहीं आई। अब ध्यान क्यों नहीं दिया गया, इसके पीछे का रीजन एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसा इस टाइटन सबमरीन के साथ पहले भी हो चुका था एंड उन्हें एक तरह से इसकी आदत थी। अब इसके बारे में डिटेल में बस थोड़ी देर में हम बात करेंगे, लेकिन जैसे ही खबर कैरियर शिप में बैठे हुए क्रू को मिली उन्होंने तुरंत US कोस्ट गार्ड को इसके बारे में एक अलर्ट भेज दिया। पूरी रात सर्च ऑपरेशन करने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा और इसीलिए अगले दिन एक कैनेडियन प्लेन की मदद से इस सर्च ऑपरेशन को दोबारा से शुरू किया, जिसके लिए उस प्लेन ने सोनर वॉइस यानी कि अंडरवाटर माइक्रोफोन्स को ओशन में ड्रॉप किया क्योंकि उसे अंडरवाटर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स का लोकेशन
लोकेशन मालूम पड़ जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे भी कोई खबर नहीं मिली और सभी सबमरीन की लोकेशन को लेकर क्लूलेस थे। ये इवेंट बहुत ही जल्द एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गया एंड आई रिपीट, ये सब कुछ शायद अवॉइड हो पाता अगर ओशियन गेट कंपनी के स्टाफ ने सबमरीन के कैरियर शिप के साथ कॉन्टैक्ट नहीं तोड़ने दिया होता, या फिर इवन मे बी कॉन्टैक्ट टूटते ही सही डिसीजन लिए होते। इनफैक्ट हाल ही में दुनिया ने ऐसे कई सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस देखे हैं, लाइक कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट, इसमें सही समय पर सही डिसीजन ना लेने की वजह से काफी सारे लोगों की जाने चली गई। मिसाल के तौर पर कोविड को ही ले लो, जिसको दुनिया के गवर्नमेंट्स ने, स्पेशली चाइनीज गवर्नमेंट्स ने नॉर्मल फ्लू बताकर नजरअंदाज कर दिया था और सही समय पर एक्शन ना लेने की वजह से 2020 में ही पूरे दुनिया में 3.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की जाने चली गई। इसी दौरान ग्लोबली हजारों लाखों बच्चे रातों रात अनाथ हो गए। अब एक फैक्ट तो यह है कि इन आपदाओं पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है टर्म इंश्योरेंस। समझते हैं कि टाइटन में ऐसे क्या मेजर फ्लॉस थे जिस वजह से हादसा हुआ। तो देखो, सबसे पहले तो टाइटन कोई नॉर्मल एक्सप्लोरेशन सबमरीन नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल सबमरीन थी, यानी कि आप इसे फर्स्ट टेस्ट मॉडल भी कह सकते हो। अब क्योंकि इसे बनाया ही एक्सपेरिमेंटेशन के लिए गया था, इसीलिए इसके फाउंडर ने इसके शेप को भी नॉर्मल स्फेरिकल से चेंज कर दिया था इनटू सिलेंड्रिकल शेप, एंड द रीजन वाज मोस्टली बिकॉज ऑफ बिजनेस। उन्होंने मे बी सोचा कि स्फेरिकल सबमरीन में सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते हैं, तो एक ऐसा डिजाइन बनाना चाहिए जिसमें एक ही टाइम पर ज्यादा लोगों को ले जाया जा सके, और इसीलिए उन्होंने सिलेंड्रिकल शेप की सबमरीन बनाई। पर सबमरीन के डिजाइन को चेंज करना ही टाइटन के फाउंडर की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि सबमरीन को स्फेरिकल इसीलिए बनाया जाता है सो दैट उसके हर साइड पर वाटर प्रेशर इक्वल हो और उसके क्रश होने के चांसेस कम हो जाए, और इन्होंने ऐसा शेप बना दिया जिस पर प्रेशर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्लस कैबिन स्पेस बढ़ाने से सबमरीन के सेंटर में ज्यादा प्रेशर लगता है, जिससे उसके बीच से टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऑल्सो डिजाइन कॉम्प्रोमाइजेस के साथ साथ इन्होंने मटेरियल के साथ भी छेड़खानी की। यूजुअली सबमरीन्स को टाइटेनियम से बनाया जाता है क्योंकि टाइटेनियम हार्डेस्ट मेटल है और वो डीप सी के इंटेंस प्रेशर को झेल सकता है, पर टाइटन में बस नाम का ही टाइटेनियम इस्तेमाल किया गया था, बाकी पूरी सबमरीन को एक ऐसे मटेरियल से बनाया गया था जो हाई प्रेशर में आराम से ब्रेक हो सकता है, कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर इज अ ग्रेट मटेरियल, इट्स बेटर देन टाइटेनियम, इट्स बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर मटेरियल्स। अब इतना सब सुनकर मैं आप जैसे लोग भी ये बता सकते हैं कि ये सबमरीन पानी में ज्यादा गहराई तक नहीं टिक सकती, बट ओशियन गेट के सीईओ इसके इस डिजाइन को लेकर फॉर सम रीजन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। उनका ये मानना था कि इस डिजाइन को वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा ने मिलकर बनाया था और इसीलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब सच बात क्या थी, वाकई में ये एजेंसीज ने अप्रूव किया था कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन चलो इस इशू को साइड में रखते हैं और सामने लाते हैं दूसरे इशू। क्या जो पैसेंजर्स थे जिन्हें डीप सी का अच्छा खासा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, उन्होंने इसमें बैठने से पहले कोई रिसर्च नहीं किया? क्योंकि एक बेसिक रिसर्च से ही मालूम पड़ जाता है कि सबमरीन के पास्ट पैसेंजर्स के एक्सपीरियंसेस भी कुछ खास नहीं थे। एक एक्स पैसेंजर डेविड पोक की अगर माने तो उनका रिव्यू था कि इसमें बैठना सुइसाइड करने से कम नहीं है। असल में डेविड पोक सीईओ स्टॉकटन रश के डिजाइन रिलेटेड क्लेम सुनकर इसमें बैठने गए थे, पर उन्होंने सबमरीन के अंदर जो देखा वो जैसा उनके सामने पिक्चर पेंट किया था बिल्कुल वैसा नहीं था। उनका कहना है कि सबमरीन में लिटरली कैंपिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले लाइट्स और हैंडल्स लगे थे, यहां तक कि एक नियर प्लेस्टेशन कंट्रोलर से इस सबमरीन को चलाया जा रहा था। उस सबमरीन को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से सड़ चुका था, जिसकी वजह से उनका कहना था कि सबमरीन कभी भी टूट सकती थी। इन्हीं रीजंस की वजह से उन्होंने देखा कि पूरे डाइव के दौरान सबमरीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, जिसमें से सबसे मेन थी कम्युनिकेशन फेलियर। उनके डाइव के दौरान करीब 5 घंटों के लिए सबमरीन का अपने कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन टूट गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे करंट इंसिडेंट में हुआ। पर उनके केस में वो लकी थे कि किसी तरह कम्युनिकेशन रीएस्टैब्लिश हो गया और वो अपनी कहानी सुनाने के लिए आज जिंदा बच गए। और इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि ओशन गेट स्टाफ के साथ ये पहले भी हो चुका था, पर इससे भी ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस था उसके दूसरे एक्स पैसेंजर आर्थर लोबेल का। उनके ट्रिप के दौरान तो लिटरली सबमरीन का एक पार्ट ही डिटैच हो गया। अब ऐसे में आप ही बताओ कोई भी इंसान क्या करेगा, डाइव कैंसिल करेगा राइट? लेकिन आर्थर का कहना है कि ओशन गेट के सीईओ ने इस पार्ट को नायलॉन स्ट्रैप से बांधकर रीअटैच करके डाइव को कंटिन्यू करा दिया, सो डेफिनेटली कंपनी एज अ होल सिक्योरिटी और सेफ्टी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी। बट यू नो व्हाट, ये दोनों हादसे कभी होते ही नहीं अगर टाइटन के फाउंडर ने 5 साल पहले अपने एक एक्स इंजीनियर डेविड लॉकरिज की वार्निंग को नजरअंदाज नहीं किया होता। दरअसल 2018 में ओशियन गेट सीईओ स्टॉकटन रश ने लॉकरिज नाम के एक इंजीनियर को टाइटन सबमरीन पर काम करने के लिए हायर किया था। अपने टीम के साथ उन्होंने सबमरीन को डिजाइन तो किया, बट उसके टेस्टिंग के दौरान उन्हें कुछ गड़बड़ी लगी। उन्होंने देखा कि 4000 फीट डेप्थ के बाद उसके हल, व्यू पोर्ट और कंट्रोल्स में क्रैक्स पड़ने लगे थे, यानी कि 4000 फीट से नीचे जाने पर सबमरीन का टूटना लगभग तय था क्योंकि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा था। और लॉकरिज के एनालिसिस के हिसाब से इसकी 3000 फीट पर भी टिके रहने की कोई गारंटी नहीं थी, और ओशन गेट ने तो कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट ही नहीं निकलवाया था। यूजुअली ऐसे एक्सपेडिशन सबमरीन्स को एक सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो सर्टिफाई कराता है कि इसमें ट्रैवल करना सेफ है, पर स्टॉकटन ने इस पर ध्यान नहीं दिया
डेविड लॉकरिज का कहना है कि इन चीजों को लेकर उन्होंने स्टॉकटन को वॉर्न भी किया, पर बजाय इसके कि वो इसका कोई सलूशन निकाले, रश ने लॉकरिज को ही कंपनी से फायर कर दिया। एंड जब उन्हें सेफ्टी सर्टिफिकेट पर क्वेश्चन किया गया तो उनका कहना होता कि ऐसे अप्रूवल प्रोसेस रैपिड इनोवेशन के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा होते हैं। रश के हिसाब से अंडरसी क्राफ्ट के लॉज नीडलेसली इनोवेशन के ऊपर पैसेंजर सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हैं, और इसीलिए उन्होंने सर्टिफिकेशन ना लेते हुए सिर्फ एक प्रोटोकॉल ऐड कर दिया जिसमें इसमें बैठने वाले सभी लोगों को एक डॉक्यूमेंट पर साइन करके ये एक्नॉलेज करना पड़ता है कि ये सबमरीन किसी भी रेगुलेटर से अप्रूव नहीं है। इनफैक्ट दुनिया में सिर्फ 10 ऐसे सबमरीन हैं जो कि 13,000 फीट तक जा सकते हैं, जहां पर टाइटैनिक है, और जिसमें टाइटन का नाम ऑफ कोर्स कहीं पर भी नहीं है क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। सबसे पहले तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी से सबमरीन बनाना, उसके प्रीवियस पैसेंजर्स के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पर ध्यान नहीं देना, उस पर काम कर चुके इंजीनियर्स की एक्सीडेंट रिलेटेड वार्निंग्स को नजरअंदाज करना, एंड लास्टली बिना किसी सेफ्टी सर्टिफिकेशन के ट्रैवल करना। काफी अनयूजुअल बात है कि इतने सारे साइंस को इग्नोर करके कंपनी के फाउंडर और पैसेंजर्स ने इसमें ट्रैवल किया। लेकिन अब सवाल आता है कि दुर्घटना आखिर घटी ही कैसे? वेल, रिसेंटली आई रिपोर्ट्स के अनुसार इस एक्सीडेंट के पीछे का रीजन कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन हो सकता है, जिसके चलते सबमरीन की हालत कुछ ऐसी हुई होगी। अब जैसे जैसे आप समुद्र में गहराई में जाते रहते हो, एक ऑब्जेक्ट पर जो चारों बाजू से प्रेशर अप्लाई हो रहा है पानी के वॉल्यूम की वजह से वो बढ़ता चले जाता है। बिकॉज जितने गहराई में आप हो उतना ज्यादा वॉल्यूम पानी का ऊपर से आपके ऊपर एक्ट कर रहा है, राइट, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, और नीचे से पानी के मॉलिक्यूल्स की बॉयंसी। सो चारों बाजू से अगर प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो ऐसे में कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रश हो जाएगा, इम्प्लोड हो जाएगा। सो अगर लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो यूएस कोस्ट गार्ड ने एनालाइज किए सोनार डेटा के मुताबिक वो सबमरीन कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हो गया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पानी के 10,000 फीट नीचे प्रेशर सी लेवल के कंपैरिजन में 350 टाइम्स बढ़ जाता है। इतने प्रेशर में कोई भी अनसर्टिफाइड सबमरीन क्रश हो सकती है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन कहते हैं। सो एक्सप्लोजन मतलब बाहर की तरफ फटना, जैसे कोई फटाका फटता है, और इम्प्लोजन का मतलब अंदर की तरफ फटना, यानी क्रश हो जाना। उसमें मौजूद लोग किसी पेपर कप की ही तरह पलक झपकाते ही क्रश हो गए होंगे। आई नो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, जिसमें सभी लोग ओशन गेट कंपनी को ही ब्लेम कर रहे हैं। मेरा भी ये मानना है कि कंपनी ने जेन्युइनली काफी ज्यादा सेफ्टी को लेकर लापरवाही रखी, और शायद अगर स्टाफ ने कम्युनिकेशन टूटते ही इमीडिएटली एक्शंस लिए होते तो आज ये दुर्घटना नहीं घटी होती। वैसे